नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर शहीद हुए कुंदन ओझा से संबंधित है। राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा ने शुक्रवार को बिहार रेजिमेंट के शहीद जवान कुंदन कुमार ओझा की तीसरी पुण्यतिथि पर शहीद कुंदन के स्मारक का अनावरण उनके पैतृक गांव हाजीपुर बिहारी एनिजपत किनारे किया। शहीद स्मारक का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के लगनशील कार्यकर्ता मनोज ओझा के देखरेख में विधायक निधि की लगभग 6 लाख रुपए की राशि से हुआ है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हाजीपुर पश्चिम पंचायत की मुखिया रूपा कुमारी व साहिबगंज नगर परिषद उपाध्यक्ष रामानंद साह ने शहीद के स्मारक पर फूल चढ़ाकर उनके विश्व में रचे इतिहास का लोगों में बखान किया। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व सैनिक की एक टोली में शामिल पूर्व सैनिक गंगा सागर यादव, जनार्दन यादव, अनिल महतो, बासुकीनाथ यादव, राजेंद्र महतो, उदयकांत ओझा के साथ अन्य सैनिकों ने भी शहीद कुंदन कुमार ओझा के स्मारक पर फूल चढ़ाकर शहीद को श्रद्धांजलि दिया और भारत माता की जय जयघोष लगाया। मौके पर भाजपा के शिवशंकर यादव, मनोज यादव, आशुतोष यादव, पवन यादव सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। इस संबंध में विधायक ने क्या कहा, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। रिपोर्ट मिर्जा चौकी से रिंजे के साथ प्रवीण, स्टार अभी तक, साहिबगंज। हम सबके बीच में गलवान घाटी के अमर शहीद कुंदन ओझा जी के पिताजी, आदरणीय सम्मानित हमारे मुखिया जी, आदरणीय सीताराम बाबू, नगर परिषद के सम्मानित उपाध्यक्ष श्री रामानंद साह जी, आदरणीय श्री अरविंद गुप्ता जी, सम्मानित हमारे युवा साथी मनोज यादव जी, सम्मानित आदरणीय गंगा सागर यादव जी, आदरणीय कृष्णा बाबा, आदरणीय सैन महतो जी, आदरणीय शिवशंकर यादव जी और आयोजनकर्ता श्री विनोद ओझा जी, श्री अजय जी और सम्मानित सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी जी, सिद्धि सभी बिहारी वासियों के लिए, न केवल साहेबगंज सदर प्रखंड वासियों के लिए, न केवल साहेबगंज जिला वासियों के लिए, न केवल झारखंड वासियों के लिए, बल्कि देश के हर एक युवा, देश के हर एक नागरिक को इस जाति के सपूत कुंदन ओझा जी